अर्जुन पहुंचेगा दूसरे मुल्क में, क्या करण और अर्जुन लड़ेंगे अपने अपने मुल्क के लिए, क्या देश के लिए देनी पड़ेगी भाईचारे की कुर्बानी। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज, और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट प्रगति सिन्हा। दोस्तों, करण अर्जुन की अब इस कहानी में चीज़ें काफ़ी बदल चुकी है। इसमें एक माँ से उसका बेटा और एक भाई से उसका भाई बिछड़ चुका है। कहानी के शुरुआत में हम देखते हैं कि करण अर्जुन की माँ दुर्गा देवी अर्जुन की फ़ोटो देखकर रो रही होती है। इस फोटो में अर्जुन नज़र आ रहा है एक आर्मी ऑफिसर के अवतार में। फिर कहानी में दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक, जिसमें हम देखते हैं अर्जुन का सपना था कि वो आर्मी ज्वाइन करे, और उसने अपने मेहनत के दम पर वो कर भी लिया। सब कुछ सही चल रहा था, करण भी अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था, पर एक दिन एक बहुत ही बुरी खबर सुनने को मिली। खबर ये थी कि देश के लिए लड़ते वक्त अर्जुन की मौत हो गई है, और कुछ खबरें ये भी थी कि अर्जुन की लाश नहीं मिली है। और अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग मामला है, पर अर्जुन को डेड डिक्लेयर किया जाता है, ये कहकर कि शायद उसकी बॉडी को जानवरों ने खा लिया है, इसलिए उसकी बॉडी नहीं मिल पा रही है। और इसी बात को याद करके दुर्गा देवी रो रही है। पर अपनी माँ को संवारने के लिए और अपने भाई के काम को आगे ले जाने के लिए करण ने भी मेहनत करके आर्मी ज्वाइन कर ली है, और अब वो एक कट्टर देशभक्त की तरह देश की सेवा कर रहा है, और वो अपनी माँ से दूर देश की सेवा करने के लिए आर्मी में रह रहा है। पर सीधी कहानी में अगर ज़िगज़ैग मोड़ ना हो तो मज़ा कहाँ आता है। हम देखते हैं कि एक दिन हमारे देश पर पाकिस्तान का हमला होता है। अब करण के सीनियर चाहते हैं कि इस मिशन को और अपनी टीम को करण हैंडल करे और इस हमले का जवाब दे। करण अपनी टीम को लेकर एक अच्छा प्लान बनाता है कि कैसे दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। सभी साथी अपनी हथियार लेकर अपनी अपनी पोजीशन को ध्यान में रखकर बिल्कुल तैयार होते हैं, और अचानक से होता है हमला। सारी न्यूज़ पर बस इसी मामले की चर्चा दिखाई जाती है, और ये देख के करण की माँ काफ़ी परेशान होती है अपने इकलौते बेटे के लिए। करण और उसके साथी पाकिस्तानी सैनिकों को रोक रहे हैं। तभी करण का एक साथी आकर उसे कहता है, सर बॉर्डर पर एक पाकिस्तानी सैनिक काफ़ी परेशान कर रहा है और काफ़ी चालाक नज़र आ रहा है, हमारे सैनिकों को उससे खतरा है। ये सुनते ही करण भागता है और अपनी राइफल लेकर हमला करने की तैयारी में होता है। पर जब सामने वाला शख्स मुड़ता है तब करण हैरान हो जाता है, क्योंकि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि उसका भाई अर्जुन है। अभी चारों ओर हमले ब्लास्ट हो रहे, गोलियां खाई जा रही है, और करण पूरी तरह से हैरान है। अर्जुन अपने साथियों को लेकर हमलेबाजी कर रहा है। करण के साथी उसे देखकर सोच में पड़ते हैं कि करण हमला क्यों नहीं कर रहा है। करण के सीनियर्स भी वॉकी टॉकी के द्वारा उसे बताते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, फायर करो। फिर करण का एक साथी अर्जुन पर गोली चला देता है, और वो हमला वहीं पर थम जाता है। और फिर इसके बाद करण के सीनियर उसे बहुत डांटते हैं और कहते हैं कि तुम देश की सेवा कर रहे हो या फिर कोई मजाक। पर करण के पास का कोई भी जवाब नहीं होता है। वो अपनी माँ को फोन करता है और कहता है, आज मेरे सामने अर्जुन भैया खड़े थे, पर वो पाकिस्तान कैसे पहुंचे। दुर्गा देवी ये सुनकर हैरान होती है, वो क्या सच में वो अर्जुन है या फिर कोई हमशक्ल, क्या करण उसे इंडिया लेकर वापस आ पाएगा। ये सब जानने के लिए देखिए हमारी अगली वीडियो। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा।